हेलो एवरीवन, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण एक्सरसाइज चल रही साड़ी 4.3 जिस दा असी फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा कर चुके हैं ते जो साड़े को सेकंड क्वेश्चन है लिखा है द्विघाती सूत्र नाल मूल पता करो फाइंड रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हुण क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिहड़ी कि असी इंट्रोडक्शन जिहड़ी है अपनी परफेक्ट स्क्वेयर मैथड जदों कीता सी पूरा उसनूं इलैबोरेट कीता तां साडे कोल दो फॉर्मूला जिहड़े सी उह बणदे सी लास्ट विच किहड़े-किहड़े फॉर्मूला साडे कोल जो बणदे सी देखदे हां। एक सीधा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए ते दूसरा साडे कोल सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। सो ये दो फॉर्मूला सी साडे कोल। सो ए साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस दे जिहड़े असी रूट्स ने परफेक्ट स्क्वेयर मैथड नाल तां वेख चुके हां किस तरह असी पता करदे हां, पर असी हुण डायरेक्ट जिहड़ा कि फॉर्मूला है वह लगाना है ते इसके रूट जिहड़े ने वह पता करने हैं जिस दे लई सब तो पहला सानू इसनू कंपेयर करना पऊगा समीकरण दी तुलना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो नाल करो। तो जो सब तो पहले इसकी तुलना असं करते हैं तो साढ़े को ए की आता है साढ़े को ए आता है साढ़े को दो बी आता है साढ़े को -7 सी आता साढ़े को 3। हुण फॉर्मूला असी लगाना सीधा डायरेक्ट अपना उस तो पहला साढ़े को रूट के देखो की लिखे बी स्केयर माइनस फोर ए सी इस दे बारे गल कर लीए। सो जो बी स्केयर माइनस फोर ए सी है साढ़े को इसनों असी लिखते हैं बराबर डी। ठीक है, ये साढ़े को बराबर डी हुंदा है। हुण असी पहले इसकी इकले की वैल्यू कढ लईए। ठीक है, जां तां असी लिख दांगे रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी और जां असी लिख सकते हैं रूट डी। सो देयर फोर बी किन्ना है साढ़े को -7 का स्केयर माइनस फोर ए किन्ना 2 सी किन्ना 3 साढ़े को आता है 7 का स्केयर किया 7 का बारह करा 7 × 7 = 49 माइनस वाली वैल्यू है साढ़े को पॉजिटिव आंसर जो आएगा। ध्यान रखना है जो भी तुसी वर्क करते हो तो कोई भी नैगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो उसका जो आंसर है साढ़े को पॉजिटिव ही आएगा। सो 4 × 8 = 24 ये साढ़े को आ जाता है 25। सो ये साढ़े को आ गया डी। ठीक है, सो डी का इतने असं रूट फाइंड कर लेंगे डी और बी स्केयर माइनस फोर ए सी कुछ भी कह सकते हैं। सो साढ़े को डी का रूट करते हैं असं इसका मतलब कि रूट हो गया साढ़े को 25। सो 25 का रूट करो एक ये बराबर होएगा साढ़े को 5 क्योंकि 5 ही एक अजि संख्या जिसनों दो बारी गुणा करते साढ़े को 25 आता है। ठीक है, सो इसलिए डी की जी रूट डी बराबर आ जाएगा साढ़े को 5। सो गल करते हम असं अपने जो फॉर्मूलाज है उसकी एक्स इज इक्वल टू सब तो पहला फॉर्मूला साढ़े को बी कितना है -7। हुण ध्यान नाल समझना है जेकर बी थोड़े को पहला ही माइनस के दिता हो पॉजिटिव बी जो कि आएगा किस तरह आता है माइनस फॉर्मूले का साढ़े को माइनस आ गया साढ़े को 7। ध्यान नाल समझना है जो -7 है वह बी की वैल्यू है ए वाला माइनस साढ़े को लगा जो फॉर्मूले जो माइनस दिता हुआ है ये साढ़े को वाला माइनस जो कि लगा है। सो प्लस फिर गल करते हैं असं बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू रूट डी। सो रूट डी कि आता है साढ़े को 5। ठीक है, फिर साढ़े को 2a वो ए कि साढ़े को 2 इन मल्टीप्लाई करा असं 2 के 2.2 का मतलब है कि 2 ना मल्टीप्लाई करना है साढ़े को आता है माइनस न माइनस ना मल्टीप्लाई हो 7 प्लस 5 ओवर आता साढ़े को 4 साढ़े को एक्स आ गया 7 × 5 = 12 4 × 4 = 12। सो एक्स का एक जो रूट साढ़े को फॉर्मूले के नाल आता है साढ़े को आता है 3। सो दूसरा देखते हैं साढ़े को आता है -7। हम प्लस वाला फॉर्मूला तो लगाता अभी हम लगावे इतने माइनस फिर रूट डी की वैल्यू कि 5 ओवर आ गया साढ़े को 2 × 2 साढ़े को एक्स बराबर आ गया ये साढ़े को आ जाएगा 7 − 5 / 4 साढ़े को आ गया एक्स बराबर 7 × 5 − 2 / 4 2 × 2 = 4। सो एक्स आ गया साढ़े को 1/2। सो इस तरह एक्स के दो रूट निकलते हैं साढ़े को इस दो घाती समीकरण के एक तो आ गया एक्स बराबर 3 तो एक आ गया एक्स बराबर 1/2। ये साडा फस्ट क्वेश्चन सैकेंड पार्ट का। हुण असी करांगे अपना क्वेश्चन सैकेंड वेखते हैं उस साढ़े को कि क्वेश्चन दिती गई है। सो असी कर की रहे हैं कि असी पहले वाले क्वेश्चन जिहड़े है फस्ट पार्ट के उन्हां क्वेश्चनज नूं असी फॉर्मूले की हैल्प के नाल जिहड़ा कि सॉल्व कर रहे हैं। सो सैकेंड क्वेश्चन है साढ़े को
टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो लिखते हैं समीकरण की तुलना किस नाल करनी है सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ना। सो जो तुलना करते हैं साढ़े को ए किन्ना आता है साढ़े को टू कौमा बी कि आता है। सो एक्स का गुणांक कि आता साढ़े को एक कुछ नहीं ना लगा ये तो मतलब साढ़े को आएगा एक। फिर आता साढ़े को सी बराबर माइनस चार साइन दे जोड़ा भी साढ़े को लगा हुआ नाल वो असी नाल लिखना है। सो इस तो बाद असी फाइंड करते हैं डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी। सो साढ़े को आ जाता है बी कि है एक एक का वर्ग माइनस चार ए कि है दो सी कि है माइनस चार साढ़े को आता एक एक का वर्ग एक आ गया चार दुनी अठ अठ चौका बत्ती। हम देखो साढ़े को 32 आ गया। हम देखो इधर भी माइनस से इधर साढ़े को माइनस ना मल्टीप्लाई भी होना है जो तो माइनस माइनस के नाल गुणा होता है तो साढ़े को भी बढ़ जाता है पॉजिटिव जोड़ा कि आ जाता है प्लस आ गया साढ़े को। सो साढ़े को आ गया इतने एक प्लस बत्ती कि आ जाता है 33 साढ़े को आ जाता है। सो बी कि है साढ़े को एक एक का वर्ग करते हैं असी माइनस चार ए कि साढ़े को दो सी कि साढ़े को माइनस चार। सो एक का वर्ग करते हैं साढ़े को आ गया एक माइनस चार दुनी अठ अठ चौका बत्ती। हम देखो इधर भी माइनस है भी माइनस है जो माइनस में माइनस न मल्टीप्लाई करते हैं साढ़े को आ गया पॉजिटिव ये तो मतलब साढ़े को बन जाता है 33 इसलिए साढ़े को डी आ गया साढ़े को 33 जोड़ा कि आ जाता है। सो इस तरह डी का रूट फाइंड करते हैं असी इज इक्वल टू आ जाता साढ़े को 33 असं लिखते हैं। सो ध्यान रखना कि डी बराबर होंगे है वो बराबर होंगे है बी बी स्केयर माइनस फोर ए सी। सो इस तरह जेकर डी का असं रूट फाइंड कर लेंगे तो इस तरह यदा भी जो रूट इस तरह बन जाएगा। सो इसकी जगह किसी वैल्यू कभी लिख सकते हैं डी रूट की। सो असं इतने फाइंड जोड़ा कि कर सकते हैं। फिर गल करते हैं असं अपने रूट्स की एक्स इज इक्वल टू सब तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं बी कि है साढ़े को वन साढ़े को पहला आ जाएगा माइनस फिर वन फिर प्लस फिर साढ़े को रूट डी कि दिता है 33। सो देखो इस तरह भी लिख सकते हैं असं इसनों लिखन की बजाय असं लिखते हैं इतने 33 जो साढ़े को आया हुआ है रूट 33। नीचे आता साढ़े को टू ए ए कि साढ़े को टू दिता हुआ नीचे लगाता असं टू साढ़े को आ जाता है। दूसरा भी लिख दें नाल ही असी एक्स बराबर माइनस एक इतने प्लस लिखा सी हुण माइनस लिखा नाल रूट 33 ओवर आ जाएगा साढ़े को टू इंटू टू। सो की बनता साढ़े को माइनस वन प्लस रूट 33 ओवर आ गया साढ़े को टू टू जा फोर दो दूनी चार इधर आ गया साढ़े को एक्स बराबर माइनस वन माइनस रूट 33 ओवर दो दूनी चार। हम देखो इस साइड से साढ़े को दो माइनस आ रहे हैं स्टार्टिंग जी आते विचकार भी माइनस दिता हुआ है। वैसे तो साढ़ा आंसर यही सही होगा कि एक रूट तो साढ़े को वाला आ गया दूसरा रूट साढ़े को सेम मनिया जाएगा पर इस थोड़ा जहाँ असं होर भी अगे स्टैप कर सकते हैं एक्स बराबर दोवों माइनस में कॉमन करो माइनस कॉमन होया दोवें वैल्यू जिहड़ियां साढ़े को पॉजिटिव हो जाएगी हो जाएगियां क्यों पॉजिटिव हो जाएगियां क्योंकि जो भी असं माइनस कॉमन करते हैं तो साढ़े को जी वैल्यूज माइनस लगा होंदा है उसके जोड़े साइन है वो बदल जाते हैं इसलिए साढ़े को आ गया वन प्लस रूट 33 ओवर फोर इसलिए साढ़े को दो रूट्स जोड़े आ गए एक साढ़े को रूट ए आ गया तो सैकेंड साढ़े को आ जाता है। ये साढ़े को क्वेश्चन सैकेंड का जोड़ा कि असी सैकेंड पार्ट किया है। सो वधिया पढ़ो ऑल द बेस्ट नैक्सट क्लास में मिलते हैं असी अपने क्वेश्चन अगलों के नाल।